उपकार मंच को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए उसका बहुत बहुत आभार, और यहाँ सुनने वाले सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके सामने अपनी कहानी भाई ये दुनिया है दुनिया पढ़ने जा रही हूँ। सुभान भाई के घर से अलस सुबह सयास ही दहाड़ मारू रुदन का सोता फूट पड़ा, तो मोहल्ले वाले जान छोड़कर दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। सुभान भाई निकल लिए, किसी ने इत्तला दी, इन्ना लिल्लाहु बड़े अदब से कहा पढ़ा गया। लकवागत ग्रस्त सुभान भाई करीब साल भर से अपाहिज होने की त्रासदी झेल रहे थे। साल भर पहले की बात है, वो मस्जिद जाने के लिए निकले तो दरवाजे पर ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। बाहर आ जा रहे लोगों ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया, फिर घर में वापस पहुंचाया। कभी सीधे मुंह बात न करने वाली पत्नी रजिया ने दौड़कर उन्हें थाम लिया। लड़के ने भी आगे दौड़कर उन्हें थाम लिया। उन्हें पलंग पर लिटाया गया और तब से वो लेटे ही रह गए। अब दवाओं का दौर शुरू हुआ। अपनी कुव्वत के मुताबिक बेटों ने इलाज पर अच्छा पैसा खर्च किया, किंतु पैरालाइज का मरीज मुकम्मल स्वस्थ ही कहाँ होता है। फिर जब गरीबी और अभावों का मारा हो तो और भी। हाँ, इतना हुआ कि इतने दवा दारू के बाद वो गलबला के बोलने लगे थे, किंतु साल भर दवा दारू के बाद आज ही आकर बेटों ने इलाज को वहीं विराम दे दिया। कोई कब तक इलाज करेगा, फिर ठीक होने की कोई गुंजाइश हो तब तो। यहाँ पैसा फेंको वहां पैसा फेंको, कोई हासिल भी नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके इन्हीं पिता ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया होगा। इलाज तो इलाज, उनके छोटे छोटे शौक भी पूरा करने में सुभान भाई ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी कभी। बड़े बेटे ने कहा साइकिल नहीं है, उन्होंने अपनी साइकिल बेचकर कुछ पैसे और मिलाकर उसे नई साइकिल दिलवा दी। खुद पैदल चलने लगे। बीबी ने कहा घर में टीवी नहीं है, वो कर्ज लेकर टीवी ले आए। बेटियों ने उलाहा वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन तो हो। उन्होंने वेतन पर लोन लेकर घर में वॉशिंग मशीन सजा दी। किंतु आज सुभान भाई तहसील के मुख्य डाकघर में बाबू थे, 2 वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे। 4 बेटे 3 बेटियों का भरा पूरा परिवार था उनका। बेटियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ा पढ़ा के ब्याह दिया था। बेटे हल्के फुल्के कामों से लग गए थे। हालांकि पढ़े लिखे बेटे भी थे, मगर मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में नौकरी कहाँ, ऐसा सुभान भाई का निजी ख्याल था। उनकी तनख्वाह कुल 12,000 थी, जिसमें स्वयं को मिलाकर पेट से लेकर टेंट तक पलती थी। कभी कभी वो हलकान हो जाते। लंबे परिवार की गाड़ी अकेले चलाना आसान थोड़े ही है। इस पर भी खासकर उनकी बेगम रजिया का मुंह तो बना ही रहता हूँ, ऐसा घर ना मुंह का कोर ना रहने ठोर। सुनते तो सुभान भाई का जी बैठने लगता, जेहन फटने लगता, जैसे किसी ने रिश्ते जख्मों को बड़े बड़े नाखूनों से कुरेद डाला हो, जैसे गर्म शोलों पे उंगली रख दी हो। चुप लगा जाते, किंतु यही चुप भीतर भीतर दहाड़े मार के रोती। बेटियां ढाल बन जाती। अम्मी कभी इंसानी खुलूस के साथ भी जी लिया करो, अब्बू तुम्हें जबरन उठा के थोड़े ही लाए होंगे, नाना नानी ने ही यहाँ ब्याह होगा, शिकायत करना हो तो जाकर उनसे करो। ऐसे उल जलूल तप्त जवाबों या प्रहारों से बेगम के नथुने फूलने लगते, घूरती बेटियों को। ऐसी बदजवानी, अलबत्ता बेटों को जरूर बेगम ने कब्जे में कर रखा था और उन पर ही कूदती थी। इस तरह एक समानांतर कलह बनी रहती। व्यथित सुभान भाई जाकर मस्जिद में पनाह लेते और अल्लाह को उलाहते, तो ही कुछ कर, मगर कुछ कर, नहीं कर, मगर तू कुछ नहीं करेगा। किंतु किया उन्होंने, इतना किया कि उनकी तीनों बेटियों को अच्छे अच्छे घर में अच्छे अच्छे घर दिखा दिए। बेटे रोजी रसा से लग गए, मगर रजिया बेगम ने पंख फटकारने बंद नहीं किए। आहत सुभान भाई बिल्कुल अकेले हो गए। अब कौन ढाल बनकर आएगा जब बेगम तीर कमान संभालेंगी। पहले बेटियां संभाल लेती थीं, बेटियों के ही आंचल में वो आश्रय लेते थे, मगर अब
बेगम चारों पहर लत्ते लिए रहती तब उन्हें बेटियों की बहुत याद आती। कभी कभी वो बेटियों से फोन पर शिकायत भी करते, तब बेटियां माँ को फोन करके खूब खबर लेती। बेगम इन सबकी शिकायत बेटों से करती मगर बेटे हंसकर टाल देते, मानो कह रहे हों हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना भाई। बेटों की शादियां हुई, घर में पहुमे आई। अब सुभान भाई को बेगम की छींटा कसी से थोड़ा मुक्ति मिली थी। अब वो बिंदास रहते, बिंदास जीते, रिटायरमेंट हुआ, आजाद हो गए। पेंशन उठाते बेगम को भिजवा देते, कुछ अपने लिए रख लेते। इस तरह अब उनको सुकून था, किंतु अल्लाह की मर्जी देखो, ये राहत भी उससे बर्दाश्त न हुई। रिटायरमेंट के दूसरे ही साल वो पैरालाइज हो गए। पतझड़ फिर से लौट आया, वो पलंग पर ही पड़े पड़े बीबी की जलीकट्टी सुनते रहने को विवश हो गए। ये सब तुम्हारे अमाल हैं, वो ताना मारती तो सुभान भाई दरक जाते, जी चाहता कहें हाँ तुम हराम खोरों को पाला पोसा, इससे बुरे अमाल क्या हो सकते हैं। पर बोल पाए तब ना, मन ही मन हाथ मल के रह जाते, रखती माखें भर आती। बहरहाल साल बीतते न बीतते बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। अब हमारे पास बजट नहीं है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। किसी को याद आता तो उन्हें दो निवाला खिला आता, वरना नहीं। कभी उन्हें कोई जरूरत पड़ती तो देर तक आ स्पष्ट आवाज में गुहारते रहते, तब कहीं जाके वहां कोई नामुदार होता। बेगम भी अब लापरवाह हो गई थी, कुछ नहीं तो उन्होंने दो चार अरबी की ट्यूशनें पकड़ ली थी, मगर मन बहलाव के लिए। दो बहुएं तो बेटों को लेकर उड़न छू हो गई थी, तीसरी वाली घर बनाए थी, चौथी आई तो उसने भी घर को घर समझा। दोनों बहुएं बारी बारी उन्हें खिलाती पिलाती या कभी भूल भी जाती। किरश काए सुभान भाई पलंग पर पड़े पड़े पलंग ही हो गए। फिर भी शरीर भले ही पैरालाइज था, रूह थोड़ी पैरालाइज थी, सांस थोड़े कुंद हुई थी। वो जीवित मुर्दा बने पड़े पड़े सोचते रहते कि ये इज्जत व कद्र अपने अजीजों और अजदाद की, कहीं कोई अपना नहीं। घंटों गिड़गिड़ाते रहते, तब कोई उधर से गुजरता, उनके पास हो लेता। जिस उसारे में उनका पलंग पड़ा था, उसी में दूसरी तरफ बकरियां बांधी जाती थीं। उनके मेमने खूब उछल कूद करते, बकरियां देर रात तक उनके कान खाती, इतना कि अब उनके कानों में बकरियों की मेमे के सिवा कुछ ठहरता ही नहीं था। किंतु जब गई रात को मेमने उनके बिस्तर पर गुड़मुड़ होके उनसे चिमट कर सो जाते, तो उन्हें बड़ी राहत मिलती। उनकी गर्माहट महसूस कर वो जीवन से भर जाते। स्मरण हुआ था कि कभी उनके नन्हे गुलगुले से बच्चे भी ऐसे ही उनके इर्द गिर्द चिमट कर सो जाते थे। मन उस वक्त उल्लास से भर जाता, सोते सोते सो जाते। अलबत्ता सुबह बेगम अवश्य हल्ला मचाती, ओफ इस बुढ़े को तो जरा भी अकल नहीं है, बौरा गया है, खुद तो पड़ा पड़ा हग मूत रहा है, ऊपर से जानवरों का मूत भी हमसे धुलवाता है। एक रोज सुभान भाई ने लड़खड़ाती आवाज में बेगम से इसरार किया, बेगम खीर बना दो, बहुत जी चाह रहा है खीर खाने का। वो तमक कर बोली, वो दिन गए जब खलील शाह फाकते उड़ाते थे, बुढ़े को जायका सूझ रहा है, जो मिले चुपचाप खा लो, हाँ नहीं तो। उनके भीतर का इंसान चकनाचूर हो जाता, मन ही मन गुहारते, या अल्लाह अब उठा ले। और अल्लाह ने सुन ली, मुनकर नकीर ने उन्हें दोनों हाथों से थाम लिया, वो जन्नत नशीं हो गए। अब बेगम पछाड़े खा रही थी, सीना पीट रही थी, हाय हाय कहाँ चले गए हमें छोड़कर, हमें बेसहारा कर दिया। कि बड़ी बेटी आंसू पोंछती समीप आई और उनके कान में फुसफुसाई, ए अम्मा ये मक्कारी वाले आंसू मत गिराओ, जो खून के आंसू अब्बू को तुमने रुलाए हैं वो हम भूले नहीं हैं, दोबारा सीना पीट के कारण किया। दोबारा सीना पीट के कारण किया तो ये बात चार के सामने कहूंगी, बेगम को जैसे सांप सूंघ गया, दोबारा चूं तक न निकली, न ही आंसू। बेटे जोर शोर से उनके कफन दफन की तैयारी करते रहे, हर जगह मिट्टी का कहला दिया गया, भीड़ बढ़ रही थी। मंझले बेटे का साला आबिद सऊदी अरब में टैक्सी चलाता है, वहां भी खबर दे दी गई और कुछ ही पलों में पूरे घर में खबर फैल गई। आबिद भाई को फोन किया गया है,
वो सुभान भाई के नाम पर उमरा करेंगे। ओह क्या किस्मत पाई है सुभान भाई ने, सीधे जन्नत में जाएंगे। उमरा सबको कहाँ नसीब होता है, नसीब की तो बात ही है। और सुभान भाई की छोटी बेटी तप गई, तपाक से बोली, जन्नत तो अब्बू झेल ही चुके, दोजख तो अब्बू झेल ही चुके हैं, अब जन्नत तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। बड़े भाई ने उसे घूर कर देखा पर बोला कुछ नहीं। उधर कुछ बुजुर्ग महिलाएं बेगम को पट्टी पढ़ाए जा रही थीं। दुल्हन अब तुम्हारा सुहाग नहीं रहा, चूड़ियां तोड़ दो। हताश बेगम दीवार पर दोनों हाथ मारने चली कि बड़ी बेटी ने हाथ थाम लिए। नहीं अम्मा, नहीं नहीं वो चूड़ियां नहीं तोड़ेंगी। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, सिर्फ तकलीफें बढ़ाने पर ही आमादा हो। जरूरी है कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाओ कि वो बेवा हो गई हैं। बुजुर्ग महिलाएं कानाफूसी करने लगी, कुछ अकड़ गईं, मगर बहू और बेटियों ने बेगम को चूड़ियां नहीं तोड़ने दी। बड़ी बहू बोली, नहीं अम्मी कुछ मत करना, तुम्हें बेटों की कसम, किसी के होने ना होने का दर्द हमेशा औरत ही क्यों भोगे। अंततः उन महिलाओं ने हार मान ली। खैर कफन दफन हो गया, मिट्टी घर से उठने लगी तो मंझली बेटे की सास और बेटे की सास ने मशवरा दिया। मिट्टी के साथ ही रजिया आपा को भी दहलीज नंगा दो, आखिर ये ट्यूशन पढ़ाती हैं, बाहर कैसे जाएंगी, तरीका तो यही है। कहना था कि कुछ महिलाओं की लाल मिर्च में सनी आवाजें झनझनाई। नहीं बगैर इद्दत के दिन पूरे किए बाहर कैसे निकल सकती हैं। मर्दों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बड़े बेटे की सास ने समझाया, सलाम में अगर बीबी कारोबारी है, नौकरी पेशा है या ऐसा कुछ मसला है कि उसका बाहर निकलना जरूरी है, होता है, तो उसे शौहर की मिट्टी के साथ ही बाहर निकाल दिया जाता है, उससे पांव खुल जाते हैं, बाकी इद्दत चलती रहती है। नहीं जी हमारे यहाँ ये तरीका नहीं है, सुभान भाई के छोटे भाई झल्ला के बोले कि बहू मैं फिर आगे आ गई। नहीं चचा जान अम्मी को बाहर जाने दें, वरना इतने दिनों तक घर में बंद बंद परेशान हो जाएंगी बेचारी। परेशान क्या हो जाएंगी, घर में बैठकर इबादत करें, नमाजें पढ़ें। सुभान भाई के भतीजे ने ऊंची आवाज में मशवरा दिया तो छोटी बेटी नूरा तपाक से बोली, क्यों बैठे घर में, जब बीवियां मरती हैं तब तो तुम लोग हफ्ते भर में ही दूसरा निकाल, और औरत घर में बैठकर शोक मनाए। तुम लोग घर से बाहर क्यों निकलते हो, जब बीबियां नहीं रह जाती हैं क्यों घर में बैठकर नफल नहीं पढ़ते। अजब वाहिया सवाल है, कोई मर्द पीछे से बोला कि बड़ी बहन नबीला ने नूरा को परे ढकेल दिया। अब मैयत घर में रखी है और यहाँ जंग छिड़ी है, तभी बाहर से आवाज आई, भाई मिट्टी का वक्त निकल जाएगा, जल्दी कोई फैसला करिए। भीड़ दो समूहों में बट गई थी। एक समूह चाह रहा था कि रजिया बेगम को दहलीज लगवा दी जाए, उन्हें घर की उमस से मुक्ति दिला दी जाए जिसमें उनकी बहू बेटियों बेटियां भी शामिल थीं। दूसरा समूह उनके ससुराली खानदान वालों का था जो उन्हें इद्दत के दिन पूरे होने तक घर में कैद रखने के पक्ष में था। अंततः बेटियों और बहुओं के जोर से उन्हें बाहर निकाल ही दिया गया। अब जो इस रिवाज के खिलाफ थीं वे बड़बड़ा रही थीं, सब पढ़ाई लिखाई का नतीजा है कि ये सारी जैसी जुबान बोल रही हैं, और अल्लाह रसूल को ताक पर रख दिया है, बस इसीलिए हमने बेटियों को नहीं पढ़ाया, भला खूटे से बंधी तो हैं। दूसरी औरतों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बुरका चद्दर डाल डाल कर 9 से 11 हो गईं। दूसरे दिन संयम था, घर में एक अलग तरह की रौनक थी, जैसे बहुत दिनों से कोई चीज इस रौनक को बाधित किए हुए थी, और उसके जाते ही रास्ता आम हो गया। रजिया बेगम पानदान संभाले बैठी सरौते से सुपारी कुतर रही थीं। पास ही तीनों बेटियां घेरे बैठी थीं। सयास और किसी मारक अनुभूति से सनकर बोली, मुझे पता ही नहीं था तुम लोग मेरे लिए इतना भी सोच सकती हो। नबीला पानदान की थाली से डली की छोटी किरसी उठाकर मुंह में डालती हुई बोली, ऐसी बात नहीं है, हमने सोचा जो इंसान अब्बू की जिंदगी में उनसे बंध कर ना रह सका उसे उनकी मौत से
मौत के बाद उनसे बांधकर क्यों रखा जाए? हाँ अम्मी, हम एक माँ की नहीं, एक औरत की हिमायत कर रहे थे। आपकी जगह कोई और औरत होती तो भी हम ऐसा ही करते। चालीस दिन पूरे होने पर चालसी मन हाँ तो भी हम ऐसा ही करते। इस एक क्षण में जैसे लरज गई वो, बेटियों के चेहरे देखती रह गई। इतना जहर? 40 दिन पूरे होने पर चालसी मनाई गई, जैसे कि हर मुसलमान के घर में मौत के बाद की रस्म है। हर कहीं न्योता दिया गया। उस दिन घर मेहमानों से भर गया, देगे खनकने लगी, मदरसे से 100 बच्चे बुलवा लिए गए। उन्होंने कुरान पाक पढ़ कर सुभान भाई को बख्शा, फिर दावतें उड़ाई और चले गए। घर में बकिया शादी का सा माहौल था। मेहमान भी दावतें उड़ा रहे थे। गोश्त पुलाव, नान चाप, शीरमाल, कबाब, जर्दा, जिन पकवानों को सुभान भाई ने अपनी जिंदगी में कभी चखा तक नहीं था। खैर, फिर गुजरे हुए सुभान भाई को भी रस्मी तौर पर खाना खिलाने के लिए फातिया पढ़वाने का इंतजाम किया गया। खाने की सीनी सजाई गई। छोटे बेटे ने अम्मी के कान में मशवरा दिया, अम्मी, अब्बू को बीड़ी बहुत पसंद थी, बहुत शौक से बीड़ी पीते थे, क्यों ना उनकी सीनी में एक बंडल बीड़ी भी। कि अम्मी ने जोर से कान ऐंठा, चुप नास बेटे, जरा भी अकल नहीं है, और आगे बढ़ गई। खैर, मौलवी साहब आए, खाने पर फातिया पढ़ी और खाने की सीनी मोहताज को भेज दी गई। शाम को बड़ा बेटा अम्मी के पास पलंग पर बैठते हुए बोला, अम्मी, अब अब्बू को जन्नत से कोई जाने से कोई नहीं रोक सकता। करीब 150 कुरान शरीफ अब्बू को मिले हैं। आबिद भाई ने उनके नाम से उमरा भी कर लिया है। नसीब की बात है भाई। उधर खला में अब्बू रूहानी पैरहन से झांकते हुए टीस रहे थे, जैसे कह रहे हों, कमबख्तों, मेरी रूह तो आज भी भूखी प्यासी छटपटा रही है। जीते जी तो मुझे एक बूंद पानी भी नहीं, पानी को भी तरसा दिया, अब मरने के बाद मुझे मुतंजन खिला रहे हो। दूसरी रूह जोर से खिलखिलाई, तुम भी मियाँ कहाँ हो, ये तुम्हें थोड़े ही खिला रहे हैं, तुम्हें खिलाने का ढोंग करके अपनी मौज मना रहे हैं भाई, ये दुनिया है दुनिया। हाँ साथियों, मेरी ये कहानी थी, भाई दुनिया है ये दुनिया, और ये कहानी पूरी हुई। अब समाप्त हुई कहानी, और आशा है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। जन सरोकार मंच को मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगी, और जो यहाँ पर कहानी सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।